यदि इस देश का वंचित तबका, जिसे इक्वलिटी की बड़ी जरूरत है, जो चाहता है कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो, इस तबके के विभिन्न संगठनों को मिल करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना पड़ेगा, जिसका नाम हमने इसमें रखा है यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट। यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट बनाना पड़ेगा। ये फ्रंट बनाने के बाद से जो है, इस फ्रंट के बैनर तले आपको जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके माध्यम से बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का एजेंडा लागू करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। भारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 से इस देश का संविधान लागू होता है। इस दरमियान जो डॉक्टर अम्बेडकर की एक्सपेक्टेशन थी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे पर इस देश का शासक वर्ग अपनी नीतियां केंद्रित करेगा, वैसा कुछ नहीं हो पाया। आज भारत में आप जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, मेरा दावा है कि जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का ओरिजिन जो है डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी की अनदेखी से है। यदि इस देश के शासकों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे का सही नीयत के साथ जो है पॉलिसी बनाया होता, कहीं कोई समस्या नहीं होती। जिस तरीके से जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया देश में, वो चीज़ कहीं से मुझे पिंच की, अच्छा जो अच्छा नहीं लगा। अटक रहा था कि आज़ादी से अगर अमृत निकला है तो अमृत हमारे लोगों को कहाँ मिला, ये बात मुझे खल रही थी। तो ये जो बात मुझे पिंच की, उसके बाद मैंने जो है इस किताब के लिखने की योजना बनाई। ठीक है, तो इसमें मैंने सर जो है आज़ादी के 75 सालों का लेखा जोखा निकाला है, 75 सालों का सिंहावलोकन किया और सिंहावलोकन करके बताया है कि अगर 75 साल की आज़ादी से कुछ अमृत निकला है तो इस अमृत की कुछ बूंदें ही वंचित समाज में जा पाई है। इसका पूरा का पूरा घड़ा जो है हजारों साल का जो सुविधा भोगी वर्ग है उसके हिस्से में आया है। अच्छा, दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकरनामा पर दलित घोषणा पत्र, दलित एजेंडा, डाइवर्सिटी के विषय को बार बार लगातार उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में चंद्रभान प्रसाद दलित चिंतक हैं, लेखक हैं, उनके कई एपिसोड हमने आपको सुनाए हैं, और HL दुसाद साहब, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, इनसे भी हमने कई बार इस विषय पर बात की है। बड़े लेखक हैं, दलित लेखक हैं, और 80 से ज़्यादा किताबें इनकी प्रकाशित है, छोटी बड़ी किताबें। और अभी हाल ही में एक किताब आई है इनकी, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना। ये किताब का फोटो देख लें, ये किताब है और तकरीबन 80 पेज की किताब है और 100 रुपये मूल्य है। बिक कितने में रही है? लगभग 40% हम छूट दे रहे हैं। 60 रुपये की किताब है और पहला एडिशन जो है अगस्त 2022 में, इसी साल ये किताब प्रकाशित हुई है। तीसरा एडिशन आ चुका है। एक एडिशन में कितना कॉपी छापे? 1000। तो 3000 कॉपी इसकी बिक चुकी है। फ्रैंक हुजूर साहब ने भूमिका लिखी है और HL दुसाद साहब ने ये पुस्तिका प्रकाशित की है। क्या है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना, इस एपिसोड में पूरा आप यही सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा हो, अवाध निजीकरण किया जा रहा हो, तब डाइवर्सिटी की जो परिकल्पना है वो कैसे लागू हो, उसका क्या स्वरूप हो, ये तमाम मसलों पर HL दुसाद साहब से बातचीत करने वाला हूँ। स्वागत है दुसाद साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपने निहायत ही पॉपुलर कार्यक्रम में एक बार फिर मुझे आमंत्रित करना। हाँ, तो बताइए किताब लिखने के पीछे क्या मंशा है? डॉक्टर साहब, ये किताब जो है बड़े खास हालात में अचानक जो है लिखी जाती है। आज़ादी के जो 75 साल पूरे हुए, वो उस 75 साल का जश्न मनाने का जो दौर चला था उसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया। इस अवसर पर सरकार की तरफ से बड़े भव्य कार्यक्रम हुए, बहुत सी घोषणाएं हुई। तो जिस तरीके से जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया देश में, वो चीज़ कहीं से मुझे पिंच की, अच्छा जो अच्छा नहीं लगा। अटक रहा था कि आज़ादी से अगर अमृत निकला है तो अमृत हमारे लोगों को कहाँ मिला, ये बात मुझे खल रही थी। तो
ये जो बात मुझे ये पिंच की, उसके बाद मैंने जो है इस किताब के लिखने की योजना बनाई। ठीक है, तो इसमें मैंने सर जो है आज़ादी के 75 सालों का लेखा जोखा निकाला है, 75 सालों का सिंहावलोकन किया और सिंहावलोकन करके बताया है कि अगर 75 साल की आज़ादी से कुछ अमृत निकला है तो इस अमृत की कुछ बूंदें ही वंचित समाज में जा पाई है। इसका पूरा का पूरा घड़ा जो है हजारों साल का जो सुविधा भोगी वर्ग है उसके हिस्से में आया है। अच्छा, तो ये किताब जो है बहुजन में आप किस किस को लेते हैं? बहुजन में तो ये है मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुजन वो है जो वर्ण व्यवस्था के वंचित तबके हैं, और वर्ण व्यवस्था अपने आप में एक अर्थशास्त्र है जिसके तहत जो शूद्रा अति शूद्र हैं, मैंने एक तरीके से कहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को छोड़ करके बाकी जितनी भी इस देश की जो मानव समुदाय हैं उनको तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया। वर्ण व्यवस्था के तहत उनको ऑल सोर्सेज ऑफ जो पावर से उससे डिप्राइव किया गया, तो मैं इन वर्ण वंचितों को ही जो है बहुजन मानता हूँ। अच्छा, और जो बाकी जो जिनको जो तमाम अधिकार रहे उसे इस देश का मैं प्रिविलेजेस तबका कहता हूँ, सुविधा भोगी वर्ग कहता हूँ, आप साधारण शब्दों में उसको सवर्ण कर सकते हैं। तो क्या है इसमें जरा बताइए ना, इस किताब का कंटेंट्स क्या है कि दोस्तों? हाँ, तो वही जो ये 75 सालों का जो हमने आकलन किया, तो आकलन करने पर सबसे पहले मेरे जेहन में जो बात यही लक्ष्य वो ये थी कि आपका जो है 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो चेतावनी थी, मैं अक्सर अपनी किताबों में उसका मैं जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से जो हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण गैर बराबरी। भारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 से इस देश का संविधान लागू होता है, इस दरमियान जो डॉक्टर अंबेडकर की एक्सपेक्टेशन थी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे पर इस देश का शासक वर्ग अपनी नीतियां केंद्रित करेगा, वैसा कुछ नहीं हो पाया। आज भारत में आप जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, मेरा दावा है कि जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं का ओरिजिन जो है डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी की अनदेखी से है। यदि इस देश के शासकों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे का सही नीयत के साथ जो है पॉलिसी बनाया होता कहीं कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसके लिए करना पड़ता क्या? चूंकि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की समस्या की उत्पत्ति सोर्सेज ऑफ पावर का, शक्ति के स्रोतों का, लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से होती है, तो आज़ाद भारत के शासक जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कि अगर इसको हम पूरा नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, तो उनको अगर डेमोक्रेसी की चिंता होती, भारत को सुंदर बनाने की चिंता होती, तो वो करते क्या कि जितने भी शक्ति के स्रोत हैं उनका बंटवारा जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्यवाजिक रूप से करने लायक पॉलिसी बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जितनी भी पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी जो इस देश की सुविधा होगी वर्ग की थी। नतीजा क्या होता है कि जो ये जब 75 सालों का आकलन करता हूँ तो पाता हूँ कि आज की तारीख में इस देश में जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है उस पर इस देश के सुविधा भोगी वर्ग का प्राय 80 से 90% कब्जा हो चुका है। आप यदि जो ये 8 या 10 लेन की सड़कों पर जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं उसमें देखें तो 90% गाड़ियाँ जो है इस देश की सुविधा भोगी वर्ग की है। जितने भी शॉपिंग मॉल हैं बड़े शहरों से लेकर के कस्बों तक सब उनके हैं, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर कब्जा प्राय 80 से 90% हो रहे हैं, E to Z हर जगह 80 से 90% कब्जा जो इस देश की सुविधा भोगी वर्ग का है। उसके फलस्वरूप मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, इसका जितना विभत्स रूप भारत में उतना कहीं नहीं है। शासकों की गलत नीतियों का परिणाम क्या होता है कि जब ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था डॉक्टर साहब, तो एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि घटिया शिक्षा के मामले में टॉप के जो 12 देश है उसमें भारत दूसरे नंबर पर घटिया शिक्षा के मामले में। उन्हीं दिनों जुलाई में जो है एक ये होते हंगर पर रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि नाइजीरिया को हरा करके भारत जो है ये गरीबियों को बने राजधानी बन चुका है,
वर्ल्ड पुअर कैपिटल बन चुका है भारत, इस तरीके से जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में खड़ा होती है डॉक्टर वो है। तो इस पे तो लोग गर्व कर रहे हैं ना कि अडानी अंबानी दुनिया का। हाँ, ये तो यह डॉक्टर, ये तो यही तो है ना। और पांच किलो की मीडिया जो है इस देश में जो भी विकास हुआ वो जीपीडी आधारित हुआ है, जीडीपी उस आधारित हुआ है। इसका विकास का बंटवारा लोगों के बीच नहीं हुआ। हम आप थोड़ा सा ख्याल करें, मनमोहन सिंह जब थे ना तो बहुत बार जो है इस देश के अर्थशास्त्रियों से अपील कर चुके थे कि इस देश में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है और जो कथित विकास है मेरा दावा है, वो कहते थे, खुल के कहते थे कि इस विकास में जो है वंचित वर्गों खासतौर से SC ST और जो है अल्पसंख्यक है उनको आर्थिक भागीदारी नहीं मिली। तो बार बार अपील करते थे कि कुछ ऐसा करो कि विभिन्न वंचित समूहों के मध्य विकास का वाजिब बंटवारा हो सके, लेकिन नहीं हुआ। बंटवारा जो हुआ वो जो उसका परिणाम आपका जो है अडानी अंबानी के साम्राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। बहरहाल जो आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे लायक नीतियां बनाने से इस देश के शासक वर्ग ने जो अरुचि दिखाई उसका सबसे भयावह रूप जो है महिलाओं के नए रूप में आया है। आपके चैनल पर मैंने बतलाया है कि 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, उसको कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें स्त्री और पुरुषों के मध्य जो है अवसरों के बंटवारे को लेकर के एक तुलनामूलक आकलन किया जाता है। तो 2006 से जो रिपोर्ट आ रही है, हर रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ये सामने आ रही है। विशेष करके 2021 की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बतलाती है सर कि भारत में महिलाओं को आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगे। कल्पना कीजिए सर, 65 करोड़ आबादी को इक्वलिटी पाने में 257 साल, अर्थात अनंत अनंत काल। में इसलिए कह रहा हूँ सर ना कि 2019 में जो ये रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में बतलाया गया था कि भारत की आधी आबादी जो है 202 सालों में इक्वलिटी पा लेगी आर्थिक रूप से, लेकिन 1.5 साल के अंदर गैप बढ़ जाता है 55 साल का। तो जब 1.5 साल में 55 साल का गैप बढ़ जाता है तो आप मान करके चलिए कि आगे की क्या स्थिति होगी। शिक्षा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे विधानसभा में 1927 में एक भाषण दिया था, उसमें भी ये सवाल उठाया था कि जिस रफ्तार से शिक्षा दी जा रही है इस हिसाब से लड़कियों को शिक्षित करने में 300 साल लगेंगे। अच्छा, तो ये आज ही प्रासंगिक है। हाँ, आज मतलब तकरीबन 100 साल होने जाने को है। हाँ, जी, और वही देखिए आर्थिक मामले में ये जो रिपोर्ट आती है वो चार आयामों पर होती है। पहले जो है आर्थिक अवसरों के बंटवारे पर, दूसरा जो है स्वास्थ्य के मामले पर, तीसरा जो है उसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर है और चौथा है एजुकेशन। तो पॉलिटिकल मामले में जो स्थिति थोड़ी सी संतोषजनक है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर से पता चलता है कि भारत की आधी आबादी को राजनीतिक समानता पाने में 95 या 100 साल लग सकते हैं, लेकिन आर्थिक और बाकी मोर्चे पर तो स्थिति बहुत ही शोचनीय है। तो ऐसा इसलिए है जो मैं कहा कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की उत्पत्ति इसलिए होती है कि शक्ति के स्रोतों का शासक वर्ग जब असमान बंटवारा करता है तब जाकर के स्थिति पैदा होती है। अगर ऐसी पॉलिसी बनाई गई होती कि भारत के जितने भी प्रमुख सामाजिक समूह हैं उनकी स्त्री और पुरुषों के मध्य जो है तमाम संपदा संसाधनों का, अवसरों का, एजुकेशन का, उद्योग व्यापार का वाजिब बंटवारा किया जाएगा तो ये विषमता की स्थिति नहीं रहती। अभी इसी साल जो ये आई है विश्व असमानता जो रिपोर्ट आई है आपका ये थॉमस पिकेटी वगैरह ने मिल करके जो तैयार किया उसे बताया है कि भारत जो है असमानता के लिहाज से दुनिया के सबसे जो है निचले पायदान के देशों पर है। तो स्थिति जो है भारत की बहुत ही खराब है आर्थिक रूप से जो है, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की जो है सीमाहीन यहाँ पर जो है असमानता है। इसी असमानता को जो है जब मैंने 75 सालों का आकलन किया तो बिल्कुल खुल करके सामने आती है। अब शासकों की गलत नीतियों के वजह से जहाँ आधी आबादी जो है इक्वलिटी पाने के लिए 257 सालों तक इंतजार करने के लिए बाध्य है, वहीं आप देखेंगे कि रिपोर्ट में पता चलता है कि इस देश की जो नीचे की बिलो 60% आबादी है सर वो सिर्फ 6% नेशनल वेल्थ पर सर्वाइव कर रही है। सिर्फ 6% नहीं, 60% जो बिलो आबादी है वो 6% नेशनल वेल्थ पर ये कर रही है, बाकी जो वेल्थ है वो सारा का सारा एक तरीके से कहिए तो वही सुविधा भोगी वर्ग की नीचे बाजार है। तो इतनी असमानता तो कहीं है ही नहीं, और खास करके महिलाओं की स्थिति तो बेहद ही शोचनीय है।
अब ये किताब जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता को सामने लाने के बाद से जो है इसके खात्मे के उपायों पर जो है वो चिंतन करती है। तो जब हम खात्मे के उपाय सोचते हैं सर, तो ये पाते हैं कि आज़ाद भारत के योजनाकारों ने जितनी भी पॉलिसी बनाई उसके आधार पर दावा किया जा सकता है कि जो विषमता इस देश में फैल चुकी है उसके दूरीकरण का, उसको रिमूव करने का इनके पास कोई क्षमता नहीं रह गई है, कोई क्षमता नहीं रहेगी। इस देश के इकोनॉमिस्टों में, इस देश के योजनाकारों के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो सके। जो 2022 की जो रिपोर्ट आई है जो विश्व असमानता की तरफ से, उसने एक यह संकेत किया है कि भारत को चाहिए कि असमानता के खात्मे के लिए जो है नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल अपनाए। नॉर्डिक मान स्वीडन इत्यादि जो 5-6 जो बहुत ही विकसित देश हैं, उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उससे वहाँ जिस तरीके से संपदा संसाधनों का वितरण है उस मॉडल को अपनाने की बात करती है सर। ठीक है, लेकिन नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल इतना कठिन है अपनाना, एडॉप्ट करना, कि इवन अमेरिका जैसा विकसित देश भी कोशिश करके पार नहीं पाया। तो नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल के द्वारा इस देश में सुधार नहीं हो सकता है। क्या है उसमें हाइलाइट्स? उसमें वो है क्या कि वो कह रहा है कि जो ज़रूरतमंद है बाकी लोग खूब टैक्स दें, हैवी टैक्स दिए ताकि ज़रूरतमंदों को यह हो सके, एजुकेशन में सरकार जो है अधिक से अधिक इन्वेस्ट करे। मैंने वो मॉडल पूरी तरीके से जो स्टेट पर बोझ डालता है कि सारी चीज़ों को जो है गैर बराबरी के खात्मे के लिए स्टेट बड़ा भूमिका अदा करे, जबकि आप भारत में देख रहे हैं कि स्टेट पूरी तरीके से हाथ उठा चुका है। विकास के लिए स्टेट जो है अब कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है। स्टेट जो है भारत का एक तरीके से कहिए तो जो है एक व्यवसाय बन चुका है, इसे प्रॉफिट से मतलब है और कल्याणकारी योजनाओं से नहीं। तो मॉडल बहुत ही कठिन है सर। अब इसमें मैंने बताया है कि यदि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा करना है तो आपको वही जो भोपाल कॉन्फ्रेंस से डाइवर्सिटी का मॉडल उठा था आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन समाज तो हुक्मरान बनने के चक्कर में बिजी है। हाँ, समाज में तो जो आप वही कह रहे हैं इस व्याधि से तो उभर नहीं पा रहा है। लगभग 2 दशक हो गया डॉक्टर साहब, आप हैं, हम हैं, चंद्रभान जी, आप, हम लोगों ने मिल करके जिस लेवल पर जो है लोगों में एक आर्थिक आकांक्षा पैदा करने की कोशिश किया, उद्योगपति व्यापारी बनने की भावना पैदा करने की कोशिश किया, हम मान के चलते हैं कि व्यर्थ हो गए हैं। समाज में एस्पिरेशन ही नहीं पैदा हुआ। समाज में जो एस्पिरेशन पैदा हुआ सिर्फ और सिर्फ रूलर बनने का, जिसका खामियाजा जो है समाज भोग रहा है, चाहे नेता बनो चाहे आईएएस बनो। तो बहरहाल इस किताब में सर ये जो है जो जो उपाय मैंने बतलाने की कोशिश किया है वो उपाय ये है कि यदि इस देश के हुक्मरान भारत में वास्तव में जो है आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा चाहते हैं तो उनको बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का 10-पॉइंट एजेंडा को जो है ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का 10-पॉइंट एजेंडा क्या है। इस एजेंडे के तहत कह रहा है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र करता है कि आर्थिक और सामाजिक विषमता मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि सारी दुनिया के शासक जो है शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिंबन कराते रहे हैं। तो यदि इस समस्या से पार पाना है तो ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन कराइए। इसका मतलब शक्ति के जितने भी स्रोत हैं उसमें विभिन्न सामाजिक समूहों, सवर्ण, OBC, SC/ST और धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्त्री और पुरुषों के संख्या अनुपात में इन इन क्षेत्रों का बंटवारा कराइए। तो उसमें 10 पॉइंट दिया गया है सर। पहला जो पॉइंट है वो है कि आपका मिलिट्री, पुलिस, न्यायिक सेवा सहित सरकारी और निजी क्षेत्र के जितनी भी नौकरियां, इसी में है ना किताब? हाँ, इसमें है सर। उसमें अवसरों का बंटवारा जो है आपका भारत के 4 सामाजिक समूहों के स्त्री और पुरुषों के, मेजर सामाजिक समूहों के स्त्री और पुरुषों का अनुपात होना चाहिए। दूसरा है कि वस्तुओं की सप्लाई में अवसर जो हो। तीसरा आप कह सकते हैं कि यह डीलरशिप के बंटवारे के लिए। चौथा जो है ये कह रहा है कि जितनी भी शिक्षण संस्थान है सर, ये बड़ा मेजर है इस देश में जो एजुकेशन सेक्टर की जो समस्या है सर, उस समस्या के खात्मे के लिए अधिकतर लोग कहते हैं कि आप इक्वल कोर्स कर दो, समान कोर्स कर दो, उससे ये दूर हो जाएगी। लेकिन सर जो है बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र कहता है, ये किताब कहती है कि इससे जो है आप एजुकेशन सेक्टर में इक्वलिटी नहीं ला सकते हैं। इक्वलिटी लाने के लिए आपको एजुकेशन डाइवर्सिटी लागू करनी पड़ेगी। एजुकेशन डाइवर्सिटी का ये अर्थ है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं
प्राइवेट से लेकर के सरकारी, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन, वहाँ छात्रों के एडमिशन में आपको सामाजिक विविधता लागू करनी पड़ेगी। अर्थात जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो है एससी एसटी ओबीसी सवर्ण और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो इन समुदायों का जो ये संख्या अनुपात है उस अनुपात में इनके छात्रों को एडमिशन देना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने स्वीकार किया था इसे? बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया। दूसरा जो इसी क्रम में है कि जितने भी इसमें टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में जो है आपको डाइवर्सिटी लागू करनी पड़ेगी, अर्थात जो है मेजर सामाजिक समूह जितने हैं उनके संख्या अनुपात में आपको टीचरों की नियुक्ति करना पड़ेगा। इसी एजुकेशन डाइवर्सिटी के तहत ये बात कही जा रही है कि जो आपका प्रशासनिक विभाग है जिसमें रजिस्ट्रार वगैरह है उसमें ये लागू करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा लागू नहीं करेंगे तो इस देश में जो है आप हर साल ये रोहित विमलाओं का अंत देखते रहेंगे। ये जो एजुकेशन डाइवर्सिटी का प्लान है सर, अमेरिका में ये पूरी तरीके से सफल है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, कोलंबिया से लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इत्यादि जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की चर्चा हम लोग सुनते हैं, उन सारी वो सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन वो जो है बच्चों के एडमिशन में, छात्रों के एडमिशन में रेशियल और जेंडर डाइवर्सिटी लागू करती हैं। अर्थात विभिन्न नस्ली समूहों के स्त्री और पुरुषों का संख्या अनुपात जो एडमिशन में रिफ्लेक्ट कराने का, रिप्रेजेंट कराने का उनका प्रयास रहता है। टीचिंग स्टाफ में भी आप पाएंगे कि वहाँ सिर्फ गोरे नहीं, वेरियस रेशियल समूह के स्त्री और पुरुषों के संख्या अनुपात में उसी तरीके से उनका है। तो बहरहाल इसका जो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का 10 पॉइंट एजेंडा है सर, वो है कि जितनी भी नौकरियाँ हैं उसमें भारत के 4 मेजर सामाजिक समूहों की स्त्री और पुरुषों के संख्या अनुपात में अवसर देना है। आपको डीलरशिप में देना है, सप्लाई में देना है, एजुकेशन सेक्टर में देना है। एक और ख़ास बात ये कह रही है सर कि मीडिया को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं। हम लोगों ने, हम खुद एलिगेशन लगाते हैं कि बहुजन समाज के नेता जो है मीडिया के क्षेत्र में इन लोगों ने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का शरीके इकोनॉमिक्स है, मीडिया सर्वाइव करती है विज्ञापन पर, और इस देश में लाखों करोड़ का जो विज्ञापन है सारा का सारा सुविधा भोगी वर्ग के हाथ में चला जाता है। ये किताब कहती है कि यदि आप इस देश में जो है व्यक्ति की समानता लाना चाहते हैं, तमाम समूहों को अवसर देना चाहते हैं, तो जो विज्ञापन निधि है, हर सरकार हर कंपनी अपने अपने जो है एक फंड का एक निश्चित अमाउंट जो है विज्ञापन पर खर्च करती है, तो विज्ञापन निधि का बंटवारा में भी जो है आपको डाइवर्सिटी लागू करना पड़ेगा, ये किताब कहती है। आगे चल करके ये कहती है कि जितने भी मंदिर ये मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति होती है उसमें आपको विविधता लागू करना है, विविधता लागू करना है। जितने भी जो है ये आपका विधानसभा की सीटें हैं, सांसद की सीटें हैं, तमाम क्षेत्रों में, तो इस तरीके से इसका 10 पॉइंट एजेंडा है जो बतलाता है सर कि यदि इसको इम्प्लीमेंट इस देश में किया जाए तो जा करके जो है इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो सकता है। तो अब तो एक नक्शा लिया गया है सर इस किताब में कि कैसे हो, लेकिन ये चीज़ आसान नहीं है क्योंकि 75 सालों में शासक वर्ग जो है बिल्कुल जो है विषमताकारी नीतियों को ही बढ़ावा देता रहा, इसलिए शासक वर्ग से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तब ये किताब वंचित वर्गों के ऊपर जो एक जिम्मेवारी थोपती है, वो कहते हैं कि यदि बहुजन डाइवर्सिटी का एजेंडा दी बेस्ट है, इससे आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो सकता है, तो आपके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा, एक नई योजना के तहत काम करना पड़ेगा। तो इस किताब में जो ये है अभिनव परिकल्पना की बात है सर, वही वो परिकल्पना जो है किताब देती है। परिकल्पना क्या है कि यदि इस देश का वंचित तबका, जिसे इक्वलिटी की बड़ी ज़रूरत है, जो चाहता है कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का खात्मा हो, इस तबके के विभिन्न संगठनों को मिल करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना पड़ेगा, जिसका नाम हमने इसमें रखा है यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट। यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट बनाना पड़ेगा। ये फ्रंट बनाने के बाद से जो है इस फ्रंट के बैनर तले आपको जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके माध्यम से बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का एजेंडा लागू करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। ये तो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना पड़ेगा ना, ये होगा तो पार्लियामेंट से ही ना, ये इसके ये दबाव बनाने के बजाय घोषणा पत्र वैकल्पिक एक जो है ये एक तरह से घोषणा पत्र है। हाँ सर, घोषणा पत्र है ये, एक तरह से दलित एजेंडा का घोषणा पत्र। बिल्कुल। अब इसके लिए क्या है सर, ये किताब जो है ये दूसरे किताबों से क्यों अलग हो जाती है कि अब तक की तमाम किताबें सर जो है ना
वो आपका ये बदलाव का एक नक्शा देती रही, विचार देती रही है। लेकिन उन किताबों से ये अलग इसलिए सर कि सिर्फ विचार ही नहीं देती है, इसको ज़मीन पर उतारने का बाकायदे एक प्रोजेक्ट पेश करती है। तो किताब ना हो करके असल में जो है एक महापरियोजना है, एक मेगा प्रोजेक्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके लिए ये किताब सुझाव देती है वंचित वर्गों को कि आप यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट बनाओ और इस फ्रंट के जरिए जो है आप इस देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुँचो। वंचितों में जो लोग जो है इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूजर की संख्या इस समय देश में 700 मिलियन जिस मैंने 70 करोड़, तो 70 करोड़ में मान लिया जाए कि 30 करोड़ जो है सुविधा भोगी वर्ग के लोग हैं जो आपका इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 40 करोड़ यूजर हैं वो जो है बदलाव के आकांक्षी, वो चाहते हैं कि विषमता का खात्मा हो, इस देश में जो है इक्वलिटी हो। ऐसे लोगों से संवाद बनाने का ये किताब जो है माध्यम देती है और उसके लिए जो है हस्ताक्षर अभियान की परिकल्पना देती है। अच्छा, हस्ताक्षर अभियान के तहत जो है इस संगठन से जुड़े हुए लोग जाएंगे जनता के बीच में जो इंटरनेट यूजर, उनके पास उनका सिग्नेचर लेंगे और सिग्नेचर लेने के बाद सर जो है ये किताब प्रत्येक व्यक्ति को 2000 मूल्य का लिटरेचर दे रही है सर। कल्पना करें सर, सॉफ्ट कॉपी, हाँ सॉफ्ट कॉपी, उसका पीडीएफ बना करके जो आजकल को जो क्या चला एक तो आजकल ऑनलाइन किताबें जो चली है, तो 2000 मूल्य का ये किताब जो है लोगों को सुलभ करा रही है। टारगेट क्या है 50 करोड़ लोगों का, तो 50 करोड़ लोग इंटू 2000 अगर आप देखेंगे तो ये किताब सर 1,00,000 करोड़ का लिटरेचर जो है वंचितों के मध्य पहुंचाने का रास्ता, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, ये दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ क्योंकि इस प्लान में ऐसे लिखा भी नहीं गया और यदि कभी आंदोलन की जरूरत पड़ी तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, व्हाट्सएप है और तरह तरह की सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हम लोगों से 50 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे हम बनाएंगे संपर्क और उन तक जो है 2000 का लिटरेचर पहुंचाएंगे। सिर्फ लिटरेचर ही पहुंचा के नहीं रहेंगे, उनका जो मोबाइल नंबर मिलेगा उस पर रेगुलर जो है आपका वीडियो, अपना लेख इत्यादि हम देते रहेंगे। इस तरीके से जो है एक विशाल हम जागरूक वर्ग पैदा करेंगे और उसके माध्यम से जो है सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो सत्ता परिवर्तन तो आसानी से होने वाला है नहीं, नहीं सत्ता परिवर्तन के लिए किताब खुद अपना एक राजनीतिक विकल्प दे रही है सर। अच्छा, जिस तरीके से यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट एक सामाजिक संगठन बन रहा है उसी तरीके से जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां उपेक्षित है 2000-4000 वोट पाती हैं उनको लेकर के हम लोग एक अलायंस बनाएंगे और इनके लिए हम लोग फंडिंग करेंगे। ये किताब सर इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए 2500 करोड़ का फंड आपको मुहैया करा रही है सर। आज़ाद भारत में बहुजनों की राजनीति, बहुजनों का जो सोशल मूवमेंट इसलिए मार खा गया कि इसके पास फंड नहीं रहा, लेकिन ये किताब आपको जो है ये 25 साल की परियोजना है, 25 साल का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट है, इसके लिए 2500 करोड़ आपको सुलभ करा रही है। कैसे जो 2000 रुपये का लिटरेचर ले करके हमारे कार्यकर्ता जाएंगे लोगों के बीच, उनसे बस यही निवेदन है कि भाई ये जो हम लोग सामाजिक समानता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई में योगदान के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये दे रहे हैं, तो आप कल्पना करें सर कि जिसको आप 2000 का लिटरेचर दे रहे हो 50 रुपये देगा कि नहीं, 50 रुपये आगे देगा। और हमारा टारगेटेड वर्ग 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ × 50 2500 करोड़ होता है। अब ये जो 2500 करोड़ मिलेगा सर, इसमें हम लोगों का प्लान है कि इसका 60% हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियों पर खर्च कर देंगे। 50 रुपया मिलता है तो 30 रुपया जो है जो पॉलिटिकल पार्टी इस एजेंडे को लेकर के उतरेगी उसको हम लोग देंगे। पूरा ऐसा प्लान है कि जो हम लोग राजनीतिक ये मंच खड़ा करने जा रहे हैं उसमें चुनाव लड़ने वालों को नहीं के बराबर खर्चा पड़े। बाकी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किताब जो है सर आपको 10,000 पेड वर्कर तैयार कर रही है। भारत में सुना जाता है कि सबसे अधिक जो है पेड वर्कर या फुल टाइमर जो है संघ परिवार के पास है, लेकिन ये किताब 10,000 जो है पेड वर्कर तैयार कर रही है। कैसे जिन 50 करोड़ लोगों तक जो है 2000 रुपये का लिटरेचर लेकर के पहुंच रहा है सर, ये लिटरेचर कैसे जाएगा, इस लिटरेचर को पहुंचाने के लिए एक्टिविस्टों को लगाया जाएगा
और एक ये सिग्नेचर पर जो ये 50 रुपये मिलेंगे उस 50 में से 10 रुपया जो उसको दिया जाएगा जो एक्टिविस्ट फील्ड में जा करके सिग्नेचर ले रहा है। अब एक सिग्नेचर पर यदि 10 रुपये मिलते हैं सर, वो कोशिश करेगा कि दिन भर में 100 सिग्नेचर ले। अगर टारगेट 100 का रखता है तो कम से कम 50 सिग्नेचर तो लेने में सफल हो जाएगा। और 50 सिग्नेचर लेता है तो कितना हो गया, 50 10 500 रुपये एक दिन का उसका रोज़गार। तो पूरी प्लानिंग है सर कि 10,000 लोगों को हम लोग ये किताब जो है आपको फील्ड में उतारने का अवसर देती है। और पूरी परियोजना को जो सामाजिक बदलाव का जो एजेंडा है डाइवर्सिटी केंद्रित, इस डाइवर्सिटी केंद्रित एजेंडे को ज़मीन पर उतारने के लिए जो है 2,500 करोड़ का फंड सुलभ करा रही है। और लोग डाइवर्सिटी के एजेंडे को समझे इसके लिए 1,00,000 करोड़ का डाइवर्सिटी सहित लोगों के बीच ले जा रही है सर। मेरा मानना है कि जो मानव सभ्यता के इतिहास का एक बिरल प्रोजेक्ट लेकर के ये किताब आ रही है सर। इस किताब को जो है दूसरी किताबों से बड़ा अलग माना जा सकता है। मैंने खुद लिखा है कि ये किताब क्या है, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के घोषणा पत्र का एक्सटेंडेड रूप है, उसका विस्तारित रूप जी। है। और बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र एक ऐसी किताब है सर जिसके विषय में बहुत से लोगों का कहना है कि ये किताब जो है भारतीय परिवेश में कार्ल मार्क्स के मैनिफेस्टो से भी बहुत आगे की चीज़ है। तो इस किताब को जो है आम किताब न मान करके कहा जा सकता है कि मानव जाति के इतिहास में सामाजिक बदलाव का ये महाप्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी परियोजना है, ये है इस किताब की खासियत। चलिए दोस्तों ये किताब देख लीजिए, दुसाद साहब का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई साथी अगर पढ़ना चाहे तो 60 रुपये की किताब मिल रही है। और हाँ अमेजन पर उसको 40% कर रहे हैं। हाँ अमेजन से 60 रुपये की किताब है, ज़रा पढ़ के देखिए समझिए और इसकी समीक्षा भी हो। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।